नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, पटना को दहला देने की तैयारी थी अपराधियों की। लगातार मुख्यमंत्री अपराध को लेकर चिंतित हैं और बैठकें कर रहे हैं, इसके बावजूद आपराधिक वारदातों में कमी आने का नाम नहीं ले रहा है। और अब एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें पटना को थर्रा देने की योजना थी अपराधियों की, लेकिन पटना के एसएसपी मनु महाराज की तत्परता की वजह से ये हादसा टल गया। एक बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना खटाई में पड़ गई अपराधियों की। और खबर आ रही है कि दानापुर में कोर्ट परिसर में विकास नामक एक कुख्यात अपराधी को पुलिस पर हमला करके भगाने की योजना थी, और पटना एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि अपराधी इसके लिए बम बारूद जुटा चुके थे और उनकी योजना थी कि जैसे ही कोर्ट में कुख्यात अपराधी जो बेऊर में बंद है विकास, जैसे ही पहुंचेगा पुलिस बल पर हमला किया जाएगा बम से, गोली से, और उसको छुड़ा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि छुड़ाने के बाद एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना थी, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। मनु महाराज ने दानापुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर दिया था, वो टीम लगातार घेराबंदी कर रही थी और अपराधियों को पता चल गया और कोर्ट परिसर से बगैर हमला किए वो भाग गए थे, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। और आज पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा है। उनके पास से 10 पिस्टल बरामद हुए हैं, 5 बाइक बरामद हुई है और ढेर सारे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। और पूछताछ में इन अपराधियों ने यह खुलासा किया है कि बहुत बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी विकास को छुड़ाने के बाद। एसएसपी के अनुसार विकास रूपसपुर में जो सुखू नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी उसमें भी उसका हाथ था, और जेल से निकलने के बाद बहुत बड़े वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। ये चड्ढा गिरोह के सदस्य थे, बड़े ही कुख्यात गिरोह है और पटना में इस गिरोह का आतंक है। हाईवे पर लूटपाट करना, छिनतई करना, लोगों को देखते ही गोली मार देना, इस गिरोह की पहचान है। तो इस गिरोह ने पटना पुलिस की नींद उड़ा दी थी और इस गिरोह के पीछे पटना पुलिस लगातार पड़ी हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन पटना एसएसपी की तत्परता और सूझबूझ से ये गिरोह पकड़ा गया है और इसके पास से जो भी हथियार हैं बरामद कर लिए गए हैं। लूटी हुई 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये गैंग तैयारी में था कि जेल से विकास को छुड़ाने के बाद कई हत्याओं को ताबड़तोड़ अंजाम देना था, हाईवे पर लूट मचाकर पटना में आतंक फैला देना था। तो मकसद बहुत बड़ा था पटना को हिला देने का, लेकिन वो नाकाम रहे। सुनिए एसएसपी क्या कह रहे हैं। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, एसपी पश्चिमी के नेतृत्व में एसडीपीओ दानापुर के साथ एक टीम का गठन किया गया जिसमें एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। चड्डा नाम का ये गिरोह जो पूरे पटना में आतंक फैलाया हुआ था, फतवा से लेकर भेटा तक कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। जहां दिखता था हाईवे पे मोटरसाइकिल लूट लेना, गोली मार देना, छिनतई कर लेना। और सबसे बड़ी बात है कि दानापुर कोर्ट से एक अपराधी को इनको छुड़ाने की साजिश थी जिसमें पुलिस पर हमला ये लोग बोलते और गोली और बम पटक कर उस अपराधी को छुड़ा देते जिसका नाम विवेक है और कई मर्डर केस में वो बेऊर जेल में अभी बंद है। इस घटना को भी विफल किया गया। उसके साथ साथ इनके पास से 10 पिस्टल, कई जिंदा राउंड गोली बरामद किया गया। उसके अलावा मोटरसाइकिल लूटे हुए, 5 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। अब आने वाले समय में इनकी कई योजना थी जिसमें कई लोगों की हत्या करते, हाल में रूपसपुर में एक हत्या हुई थी जिसमें ये लोग सुक्कू नाम के एक व्यक्ति की जिसमें ये लोग शामिल थे, कल फिर ये किसी की हत्या करने के लिए जा रहे थे। इस तरह से एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है जो पूर्व में भी कई घटनाएं कर चुका और आने वाले समय में भी कई घटनाएं करता। दानापुर कोर्ट कैंपस में क्या प्लानिंग थी? दानापुर कोर्ट कैंपस में इनकी प्लानिंग थी कि विवेक नाम का एक अपराधी जो बेऊर जेल में अभी बंद है हत्या के केसेस में, जो मखना गिरोह का सक्रिय सदस्य था, उसको ये लोग छुड़वाते और छुड़वाने के क्रम में 10 बॉम्ब ये लोग लाए थे जो पुलिस के ऊपर पटकते और पुलिस के ऊपर गोली भी चलाते। पुलिस को उसकी सूचना पहले से ही मिल गई थी हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस के द्वारा, उसी सूचना पे हम लोगों ने उस घटना को विफल किया था, पर ये लोग अपराधी जो थे भागने में सफल हो गए थे। उसके बाद लगातार ये लोग घटनाएं कर रहे थे और कई घटनाएं ऐसी हैं जो अनडिटेक्टेड थी, कई घटनाएं ऐसी भी जो है अनरिपोर्टेड थी, उन सब का उद्भेदन हुआ है इनके पकड़े जाने। बम मिला क्या? बम नहीं मिल पाया। लिट्टी नाम का जो अपराधी जो इनके साथ था वो भागने में फरार रहा है, उसकी तलाश में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको पकड़ने का, और निश्चित रूप से कोई 10 बम रखा हुआ है जिसको हम बरामद करेंगे। कल सर दीघा में शराब जो है वो नीचे जमीन के नीचे पड़े हुए थे, पटना के नजदीक नहीं था, क्या
उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। पूर्व में भी आज से 15-20 दिन पहले एएसपी अभियान के द्वारा उस एरिया में छापामारी की गई थी और उतनी मात्रा में शराब बरामद की गई थी और उसके बाद थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था जो संतोषजनक नहीं पाया गया है। कल भी बरामद हुई है, इसमें मैंने कार्रवाई के लिए लिखा है थाना प्रभारी पे और थाना प्रभारी को वहां से हटा दिया गया है और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी लिखा है। आपने सुन लिया, पटना एसएसपी खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ी योजना थी। एक तो कोर्ट में पुलिस बल पर हमला करके अपराधी को छुड़ाने की योजना थी। आजकल कोर्ट परिसर में लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, अपराधियों को निशाना दूसरे अपराधी बना रहे हैं और अपराधियों को छुड़ाने की भी तैयारी चल रही है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की चुस्ती के बावजूद अपराधी बेखौफ क्यों हैं और किस तरह से इतने बड़े बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, उसको लेकर सरकार निशाने पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी ही है कानून व्यवस्था, तो उसको लेकर वो काफ़ी नाराज हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस महकमे की जो बैठक उन्होंने की थी उसमें उन्होंने कई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी और यहाँ तक कह दिया था कि आप लोग अपना सेवानिवृत्ति का दिन मत गिनिए, काम करिए, काम नहीं करेंगे तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने दो टुक कह दिया है कि अगर जिले में अपराध होगा तो उस जिले के पुलिस कप्तान नपेंगे और पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब देखना यह है, आने वाला समय बताएगा कि मुख्यमंत्री के इस कड़े तेवर का क्या असर दिखता है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद 3 महीने के अंदर कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इस बार भी अपनी आपराधिक कंट्रोल की नियंत्रण की जो रणनीति है उसमें कामयाब होंगे, क्या अपना यूएसपी जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का है उसे बचा पाएंगे। आपको हमारी खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको अपडेट्स मिलेंगे। नमस्कार।